फ्रेंड्स, वैसे तो दही बड़े कभी भी इंजॉय किए जा सकते हैं, लेकिन होली पे स्पेशली ये सभी के घर में बनते हैं। मीठे वाले दही बड़े आप सभी के साथ शेयर करूंगी आज। साथ में होगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही स्पॉन्जी, सुपर सॉफ्ट ये दही बड़े बनके रेडी होंगे। बहुत सारी टिप्स हैं इस वीडियो में, तो इसे वॉच करिए और सीखिए और इस होली पे जरूर ट्राई करिएगा। हे फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा एंड वेलकम टू माय किचन। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस मज़ेदार रेसिपी से। यहाँ पे मैं उड़द की दाल के वड़े बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। आप चाहे तो मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 ग्राम मैंने यहाँ पे धुली हुई उड़द ली है और इसे मैंने रात भर सोख करके रख दिया था। आप इसे 3 से 4 घंटे भी सोख करेंगे तब भी चलेगा। दही का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल फ्रेश दही होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसे हम बाद में स्मूथ करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चीनी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी बाद में हम इसे पीसेंगे, पीस के ही चीनी डालेंगे। और यहाँ पे नमक का इस्तेमाल बड़ों में किया जाएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दाल को अच्छी तरीके से 3 से 4 पानी से धोने के बाद आप इसका बैटर बनाएंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। और इसमें पानी जाएगा 2 से 3 चम्मच, इससे ज़्यादा आप मत ऐड करिएगा फ्रेंड्स। ये बैटर जो है हमें बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा बना के रेडी करना है। तो चलिए बना लेते हैं इसका बैटर। और थोड़ा सा दरदरा बनाइएगा, दानेदार बनाइएगा। तो बैटर यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये मैं आपको दिखाती हूँ, दानेदार बन के रेडी हुआ है, गाढ़ा है। अभी इसमें 2 से 3 चम्मच मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी, बस इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसे हम बोल में शिफ्ट कर लेते हैं अब, और इसमें जाएगा आप 2 से 3 चम्मच पानी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है। सबसे पहले थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़रा सा ही नमक डालिएगा, नमक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पानी का इस्तेमाल 2-3 चम्मच करिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम इसे फेटेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये अपने आप बिल्कुल लाइट वेट होता चला जाएगा और ये बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट होता चला जाएगा। ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप है आपका, इसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाइएगा। और क्लॉकवाइज एंटी में, क्लॉकवाइज में अगर आपने किया तो क्या होगा, इसमें जो बबल्स जनरेट होंगी वो नहीं होगा, फिर ये फ्लफ़ी नहीं बनेगा, बिल्कुल हल्का नहीं बनेगा। तो भाई एक ही डायरेक्शन में इसे मिलाना ज़रूरी है। 5 से 6 मिनट इसे आप मिलाते रहिए और इसके बाद ये आपको नज़र आने लगेगा बिल्कुल स्पंज जैसा, एक्स्ट्रा वाइट नज़र आने लगेगा फ्रेंड्स। और साइज़ भी इसका बिल्कुल डबल हो जाता है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्स्ट्रा वाइट नज़र आने लगा, बैटर एकदम रेडी है। अब मैं थोड़ा सा मेथड आपको बता देती हूँ कि आपको इसे फ्राई कैसे करना है। यहाँ पे किशमिश का इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं। पूरी बैटर में आप किशमिश थोड़ा थोड़ा फैला दीजिए दूर दूर पे। इससे थोड़ा सा जब आप कढ़ाई में बैटर ये बड़े बनाएंगे ना, तो इजी हो जाएगा आपके लिए, वरना आप एक एक किशमिश लेके बोल्स बनाएंगे तो वो थोड़ा सा कठिन प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप शुरुआत में बस 1 से 2 बार ऑयल लगा लीजिए, बार बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस आप बैटर उठाइए किशमिश के साथ, एक बोल में कम से कम 2 किशमिश आ जाए, इससे ज़्यादा भी नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप किशमिश को अंदर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बैटर कुछ इस तरीके का होता है ना कि आप उसमें स्टफ़ नहीं कर पाएंगे, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ फ्रेंड्स। इसे हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैन में मैंने देखिए ऑयल ले रखा है, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। और एक स्टेप जो मुझसे मिस हो गया था, चलिए मैं उसे करके बता देती हूँ। आपको अपना बैटर चेक करना है कि ये अच्छा बना है कि नहीं, बिल्कुल राइट बना है कि नहीं। पानी में आप इसे डालिए थोड़ा सा, अगर ये फ्लोट होने लगता है तो मतलब आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए, आप इसमें थोड़ा सा अपना पेस्ट डाल के देख लीजिए, बस बहुत तेज़ आपको तेल में नहीं ये पेस्ट डालना है। धीरे धीरे सारी बोल्स आपको डाल लेनी है। ध्यान रखिएगा मध्यम आंच पे ही अपने बोल्स को आप फ्राई करिएगा, वरना ये ऊपर से तो बिल्कुल ब्राउन दिखने लगेंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। तो बस कुछ
कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, और ये आपके सुपर स्पॉन्जी सॉफ्ट बनके ही रेडी होंगे भाई, इस बात की मेरी गारंटी है आपको। धीरे धीरे इसे फ्राई होने दीजिए और बिल्कुल लाइट ब्राउनिश कलर में ये नीचे से होने लगे आप इसे पलट दीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद आप इसे पलट सकते हैं। हल्के से ये चिपक जाएं तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ये अलग भी हो जाते हैं, इसे हटाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ बातों का आपको बस ध्यान रखना है और बड़े आपके 101% बहुत अच्छे बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे 6 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है बिल्कुल मध्यम आँच पे। बस ये ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी मत फ्राई करिएगा, आपको नज़र आएगा ऊपर से पके हुए और अंदर से ये रहेंगे कच्चे। भाई ये इतने ज़्यादा स्पॉन्जी हैं कि ये मेरे लैडर में भी नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ धीरे धीरे, और चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए आप, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो बढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसे हम अब पानी में सोक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है फ्रेंड्स, और देखिए ये बिल्कुल गुनगुना पानी मैंने ले रखा है, बिल्कुल तेज़ गर्म पानी में इन बड़ों को आप मत डालिएगा, ये फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा नमक आप इसमें डाल लीजिए, और आप चाहें तो इसमें हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़ों को मैं ज़रा एक बार आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। एक बहुत अच्छा साइन होता है बड़े का, जब इसमें आपको जाली दिखने लगे अंदर तोड़ते समय, तो आप देख सकते हैं अंदर 1 से 2 किशमिश हर बड़े में मेरी आई है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके भी अच्छे बनेंगे। तो 5 मिनट के लिए इसे हम भिगो के रखेंगे, उससे ज़्यादा आप मत भिगोइएगा, फिर ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे कि दही में भिगोने के बाद फिर ये टूटने लगते हैं। और जो बाकी के बड़े बचे हुए हैं ना फ्रेंड्स, इसको आप फ्रिज में 2-3 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बाद जब भी आपको यूज़ करना हो आप गुनगुने पानी में डाल के उसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे तो मैं कंटेनर में फ्रिज में डाल दूंगी और इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए फ्रेंड्स, और देखिए ये अच्छी तरीके से भीग गए हैं, बहुत देर तक इसे मत भिगाइएगा, और हल्के हाथों से दबा के इसे आप अलग कर लीजिए, बहुत ज़ोर से भी नहीं दबाना है इसे, वरना ये बिल्कुल दब के छोटे छोटे हो जाएंगे और टूटने भी लगते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है, इसे हम कर लेते हैं अब फ्रेंड्स साइड में, और तैयारी करते हैं अब चटनी की। चटनी बनाना बहुत ही आसान है, वैसे तो चीनी से भी चटनी बनती है इसकी, लेकिन यहाँ पे मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 ग्राम यहाँ पे मैंने गुड़ ले रखा है, उसका जस्ट हाफ मैंने यहाँ पे इमली का पल्प लिया है। इमली का पल्प मार्केट से ले आइए या फिर आप घर में बनाइए, फ्रेश इमली ला के 10 मिनट के लिए आप गर्म पानी में इमली को भिगोएंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इमली का पेस्ट बना सकते हैं, और इसे आप छन्नी से छान लीजिएगा तो आपका पल्प रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं डेट्स का इस्तेमाल करूँगी, ड्राई डेट्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये चटनी में। थोड़े से मैं यहाँ पे तरबूज के बीज का इस्तेमाल करने वाली हूँ, सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, और चाहे तो आप जिंजर का पेस्ट भी ले सकते हैं। थोड़ी सी किशमिश यहाँ पे जाएगी, करीबन 1 से 2 चम्मच, और मसालों में सफ़ेद नमक है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, भुना हुआ जीरा मैंने यहाँ पे ले रखा है, और थोड़ा सा ये काला नमक जाएगा, काला नमक भी बहुत अच्छा लगता है चटनी में फ्रेंड्स। तो चलिए भाई फटाफट से बना लेते हैं चटनी, और पैन में बस पल्प डाल लीजिए आप, उसके बाद आप गुड़ डाल लीजिए, गुड़ को थोड़ा सा और पीस लीजिएगा जिससे ये फटाफट से मेल्ट हो जाता है। पानी का इस्तेमाल ज़रा सा ही करेंगे फ्रेंड शुरुआत में, क्योंकि आपको इसे बहुत देर तक फिर पकाना पड़ेगा बाद में, तो कम पानी डालिएगा, करीबन छोटा वाला ग्लास आधा लिया है मैंने। बस इसे हम मेल्ट होने देते हैं हाई फ्लेम पे। अब
यहाँ पे मेल्ट हो चुका है ये, और जो भी मसाले हमने ले रखे थे धीरे धीरे सारे ऐड कर लीजिए। थोड़े मसाले कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मिर्च आपको ज़्यादा चाहिए थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा। सॉल्ट का पाउडर यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, तो इसे आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ऐड करूँगी। और बस इसके बाद आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिए, छुआरा और किशमिश। ये धीरे धीरे इसमें पकेगा ना फ्रेंड्स, तो ये फूल के निकल आएगा। बस इसे हम 4 मिनट तक पका चुके हैं फ्रेंड्स, और इसकी कंसिस्टेंसी आपको देखनी है कि बहुत ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है, तो इसे ये बिल्कुल थोड़ा सा फ्लो कंसिस्टेंसी में ही रहेगा ना, तो आप इसे ज़्यादा मत पकाइएगा, इसे इतना ही पकाइएगा फ्रेंड्स जितना मैं आपको एक टूटता हुआ तार नज़र आने लगे, बस इतना ही पकाना है। चलिए थोड़ा सा मैं टेस्ट करके दिखा देती हूँ। एक तार बनेगा और बिल्कुल पूरा तार नहीं बनेगा, टूटता हुआ तार बनेगा। वैसे आपकी चटनी अगर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए ना, आप इसमें पानी मिला सकते हैं, और अगर ये थोड़ी सी पतली हो जाए 1 से 2 मिनट आप इसे पका सकते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है इसमें, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसे पका लिया है, और ये थोड़ी सी ज़्यादा स्टिकी हो गई है, ये बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी लगने लगेगी आपको, और इसका एक लंबा सा तार आपको नज़र आएगा। इस कंसिस्टेंसी में मत रखिएगा, ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं तो इसे पतला कर लूँगी, ये बस आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो भाई चटनी तो हमारी रेडी है, और इसे फ्लेम को बंद करने के बाद आप इसमें बीज ऐड कर लीजिए। ठंडी होने के बाद चटनी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, और फ्रिज में आप रखेंगे तो थोड़ी सी और गाढ़ी होगी ये। बस गाढ़ी लगती है तो मैंने बताया, गुनगुना पानी डाल के आप इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चटनी बनाएंगे, और इसे आप चाट में इस्तेमाल करिए, आप इसमें दही बड़े में तो अच्छी लगती है, और भी बहुत सारे डिशेस में ये चटनी जाती है, तो इसे ज़्यादा सा बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। दही यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश लेना है, और स्मूथ दही दही बड़े में ही अच्छा लगता है। 2-3 स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ स्मूथ करने के। या तो आप इसे मिक्सी में 1 से 2 सेकंड के लिए चलाइए, स्मूथ हो जाएगा। सेकंड स्टेप है, आप इसे कपड़े में, सूती कपड़े में छान लीजिए, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और थर्ड स्टेप है, छन्नी बड़ी वाली जो होती है उसमें आप दही को छान लीजिए, तो बिल्कुल स्मूथ दही निकल के आएगा आपका। बस 2 से 3 चम्मच आप इसमें शुगर ऐड कर लीजिए, शुगर यहाँ पे पीस के मैंने ले रखी है। बस आपका दही बिल्कुल रेडी है, दही बड़े रेडी हैं, चटनी रेडी है। तो शुरू का हाथ कर लेते हैं ज़रा प्लेटिंग से। हाँ भाई, मसाला तो हमारा रह गया। मसाले में मैंने यहाँ पे भुना जीरा ले रखा है, और वाइट सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, गार्निशिंग के लिए अनारदाने और धनिया। तो शुरुआत कर लेते हैं प्लेटिंग से, और दही बड़े बनके बहुत अच्छे रेडी हुए हैं, आपके भी ऐसे ही बनेंगे फ्रेंड्स। बस कुछ स्टेप्स को आप ध्यान रखिएगा, आपको दाल को अच्छी तरीके से फेंटना है जब तक वो बिल्कुल सुपर फ्लफी ना हो जाए, बिल्कुल डबल ना हो जाए, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आप उसे घुमा के बैटर को बनाइएगा। चेक करने का मेथड मैंने आपको बता दिया, चटनी भी बहुत इजी है बनाना। तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।